नमस्कारम, आज मैं आपको दूंगा हेल्थ का छठा लेसन, जिसे समझने के बाद हम स्वास्थ्य के इस राह पर एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी रूटीन हमारी बन जाएगी जो कि आयुर्वेदिक होगी, जो कि एक बिल्कुल सिंपल लिविंग होगी, हाई थिंकिंग वाली होगी। तो उसमें मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, आपको मैं आज जो नियम दूंगा इसको आपको साथ में ऐड करना है पिछले सब लेसन्स के साथ, जिसके बाद आपकी डाइजेशन अच्छी रहनी शुरू हो जाएगी और आपका मन प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा। वो नियम है मंजन करने का नियम। बेशक ब्रश सारी दुनिया कर रही है और करना भी चाहिए, आप करिए सुबह के समय, लेकिन एटलीस्ट सुबह ना सही, अगर आपके पास समय नहीं है सुबह तो रात को भी सही, आप मंजन लीजिए थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाइए और मसूड़ों पे मालिश करिए। यकीन मानिए, जब आप ये मंजन करना सिर्फ दांतों के लिए ही नहीं है, मसूड़ों के लिए भी है। और मसूड़ों की मालिश से जो मसूड़ों के अंदर की नसें हैं, वो मसूड़ों के अंदर की नसें बेशक बारीक हैं, लेकिन वो नसें आगे चल करके पेट के साथ, आंतों के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका सीधा संबंध आंतों में रस बनाने से है। यानी कि जब आप खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए रस बनता है आंतों में, पेट में, तो वो पेट जो रस बनाता है वो उसकी नसें यहीं से जुड़ी हुई हैं। अगर आप रात को मंजन करते हैं आपको कभी गैस की शिकायत नहीं होगी, आपकी रूटीन में एकदम आपको लगेगा कि हाँ मुझे भूख लगती है, मेरा खाना पचता है, आप बड़ी दिक्कतों से बाहर आ जाएंगे। तो ये मंजन करना अच्छा है इसलिए भी क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब आप मसूड़ों की मालिश करते हैं और दांतों की मालिश करते हैं, ये दांत भी मजबूत रहते हैं और कभी झड़ते नहीं हैं, कभी भी नहीं झड़ते हैं, जब तक जिएंगे आपके दांत रहेंगे। और स्ट्रेस भी नहीं रहता है क्योंकि मंजन करके जब मुंह ढीला छोड़ते हैं, गंदा पानी बाहर निकल गया, अब मुंह में ऐसे जो बैक्टीरिया बनने थे या ऐसी चीज़ें बननी थी, गंदी स्मेल, वो सब खत्म हो जाती है। तो ये मंजन करने का नियम जरूर लीजिए। आप कहेंगे जी मंजन कौन सा करें, अब ये सवाल उठता है, घर में कितनी चीज़ें होती हैं, हल्दी होती है, सौंठ होती है, लौंग होते हैं, काली मिर्च होती है, फिर उसके अलावा ऐसी कई छोटी 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 चीज़ें हैं, तो उनको आप कलेक्ट कर लीजिए जो मंजन में डल सकती हैं, तो उसको आप पीस लीजिए थोड़ा, उसमें बराबर सारी बराबर चीज़ें लेनी हो, थोड़ा सेंधा नमक डाल लिया, थोड़ा बराबर का मीठा सोडा डाल लिया, तो थोड़ा अगर घर में पड़ा हुआ है त्रिफला चूर्ण तो वो डाल दिया, हरड़ भेड़ा आंवला जिसमें होता है, तो ये सब मिक्स करके पीस करके आप रख लो। जब भी इसमें अगर आपको थोड़ा, इसको कईयों को सेंसिटिव स्किन होती है शुरू शुरू में, तो आप क्या करें, इसमें बराबर मात्रा में खड़िया मिट्टी मिला दें। खड़िया मिट्टी जो होती है ये पंसारी वाले से मिल जाएगी, तो बराबर मात्रा में जितने सारे, मान लो सारी जड़ी बूटियाँ या सारी चीज़ें 100 ग्राम हो गई, अब 100 ग्राम उसमें खड़िया मिट्टी मिला के इसको डाइल्यूट कर लो, हल्का कर लो, ताकि वो आपको बड़ा सॉफ्ट सा इफेक्ट दे। तो उसमें आप कपूर भी डाल सकते हो, जितनी जितनी सारी जड़ी बूटियाँ डालोगे कपूर भी उतना डल जाएगा उसमें, तो खुशबू भी देगा। तो अब उसको जब आप मालिश करते हैं मसूड़ों पर, तो उसके बाद मुँह ढीला छोड़ते हैं, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपको सवेरे उठ कर भूख लगेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी और भी बड़ा कुछ मिलेगा। मतलब ये एक एक स्टेप है लाइफ को बैलेंस करने का, लाइफ को एक सुकून वाले मोड में पहुंचाने का। ये खड़िया मिट्टी नहीं भी मिलती तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं मंजन को, बस फिर उसमें यही है कि थोड़ा तेज होगा तो उसको थोड़ा मात्रा कम में करिएगा। तो ये रेगुलर कर लीजिए। इसके अलावा दातुन भी अच्छी है दांतों का या मुंह का ख्याल रखने के लिए, डाइजेशन का ख्याल रखने के लिए। दातुन तो नीम की, बबूल की, पीपल की कोई भी मिल जाए तो अच्छी है, उसको करिए। उसका तो रस भी अंदर पीना चाहिए दातुन का, ताकि वो सुबह के समय कभी कभी सही, ना सही रोज में, लेकिन करेंगे तो वो एक आपका खून भी साफ करेगी, आपके दांतों को मजबूत रखेगी और कई सारी प्रॉब्लम्स से आपको बचाएगी। बाकी आप ब्रश भी करते रहें, आप मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन समय निकाल करके ये नियम भी पालन करें। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वीडियो के आखिर में, वो ये है, क्या मुझे ये हेल्थ सीरीज आगे बढ़ानी चाहिए? यदि आप मुझे अपनी राय देते हैं हाँ ना कैसे भी, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप इसे सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, मुझे आगे इसे बढ़ाना चाहिए या नहीं। कई लोगों का ये भी कहना था कि ये तो आम बातें आप बता रहे हैं, हमें पता है, तो आप अब मुझे राय दीजिए, मुझे ये बातें आपको बतानी चाहिए या वीडियो की ये सीरीज़ आगे बढ़ानी चाहिए ऐसे ही या नहीं। आपकी राय का, आपके जवाब का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।